हम बचपन से ही काफी कहानियाँ सुनते आए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही कहानियाँ सच्ची होती हैं, तो कुछ कहानियाँ झूठी भी। उन्हीं में से बचपन के दिनों में एक कहानी पारस के पत्थर के बारे में सुनाई जाती है। पारस पत्थर के बारे में अक्सर आप सभी ने कई बार सुना होगा। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसा जादुई पत्थर है जो किसी भी धातु को सोने में आसानी से बदल देता है। इस पत्थर से छूते ही कोई भी धातु सोने की हो जाती है। हालांकि ऐसा सच में होता है या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पत्थर की खूबी के बारे में जानकर बस हर कोई यही चाहेगा कि काश उनके पास भी यह चमत्कारी पत्थर होता। लेकिन जिस पत्थर के बारे में इतनी कहानियां और किस्से मशहूर है, वहां वह सच में है या बस कहानियों में ही है? किले से पत्थर निकाल पाना नहीं है आसान। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आपके इस सवाल का जवाब हाँ है। आज हमारे बीच इस दुनिया में पारस का पत्थर मौजूद है। एक किले में इस पत्थर को सुरक्षित रखा गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह किला कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही स्थित है। भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित इस किले में पारस पत्थर को सुरक्षित रखा गया है। यही वजह है कि हर साल यहाँ काफी लोग खुदाई के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन किले से इस पत्थर को निकाल पाना कोई आसान काम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर किले से पत्थर को निकालना आसान काम क्यों नहीं है, तो आपको बता दे, इस पत्थर की रखवाली कोई और नहीं बल्कि एक जिन करता है। भोपाल के पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले को रायसेन के किले के नाम से जाना जाता है। इस पत्थर से संबंधित इतिहास बहुत ही रोचक है। जानकारी के अनुसार इस किले के राजा रायसेन के पास पारस पत्थर था, जिसकी वजह से उन्हें कई युद्ध भी लड़ना पड़ा था। एक युद्ध में राजा पराजित हुए और पत्थर के छिन जाने के डर से उन्होंने इसे तालाब में फेंक दिया। युद्ध के दौरान राजा का निधन हो गया था। वहीं राजा के निधन के बाद किला एकदम वीरान सा हो गया। आज भी पारस पत्थर इसी किले में कहीं न कहीं मौजूद है और उसकी रखवाली एक जिन करता है। हालांकि यहाँ जिन है या नहीं उसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन यहाँ कई लोग पारस पत्थर की खोज में आते रहते हैं। उसके कई सबूत मौजूद है। कुछ लोग यहाँ पारस पत्थर की तलाश के लिए तांत्रिकों का भी सहारा लेते हैं। आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग भी पारस पत्थर की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि चूंकि इस पत्थर की रक्षा जिन करता है, इसलिए यहाँ जो भी पत्थर की तलाश में आता है वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। आखिर क्या सच्चाई है इस राजमहल का, क्यों नहीं उठता इससे पर्दा? नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।